नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत उपचुनाव की खबर से। बिहार में अररिया लोकसभा, जहानाबाद और भभुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इन तीनों जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। बुजुर्ग हों या फिर फर्स्ट टाइम के वोटर, मतदान के लिए सभी कतार में खड़े नजर आए। तीनों जगहों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। इस चुनाव के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब इंतजार 14 मार्च का है, जब मतों की गिनती होगी। इस वक्त तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अररिया, जहानाबाद और भभुआ की। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह इन तीनों ही सीटों पर नजर आया। उपचुनाव में औसत मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान अररिया लोकसभा सीट पर हुआ। यहां शाम 5 बजे तक तकरीबन 57% वोटिंग हुई। भभुआ में शाम 5 बजे तक 54.3% और जहानाबाद में 50.6% वोटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि रबी फसल की कटनी के कारण कम लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। वोटिंग के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के लिए स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है। तो मतदान के दौरान कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। अररिया में सबसे ज्यादा 57% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि जहानाबाद में शाम 5 बजे तक की बात करें तो 50.6%, जबकि भभुआ में 54.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है, आप कह सकते हैं कि तीनों ही जगहों पर औसत मतदान किया है। और इसका एक कारण बड़ा बताया जा रहा है कि रबी फसल की कटाई की वजह से कम वोटर्स मतदान केंद्रों की तरफ नजर आए। इलेक्शन जो है बाधित हुआ, तो अभी पूरा आंकड़ा जो है, जब वहां से जो सभी लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपने पहुंचेंगे कलेक्टिंग सेंटर पर, और कल 11 बजे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके समक्ष जब स्क्रूटनी होगी, तब एक्चुअली पता चलेगा कि ये 23 जो कैमूर में है या 23 ही रहेगा या बढ़ के 24 या 25 होगा, जहां पर पुनर्मतदान परसों करने की आवश्यकता आयोग को पड़ सकती है। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, आरजेडी से मनोज झा राज्यसभा जाएंगे, अशफाक करीम भी राज्यसभा जाएंगे। दो सीटों पर आरजेडी की जीत तय मानी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त राज्यसभा को लेकर मिल रही है। दरअसल बिहार में राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और आरजेडी से मनोज झा राज्यसभा जाएंगे, जबकि अशफाक करीम का भी नाम राज्यसभा के लिए चल रहा है। उन्होंने जो निर्णय लिया है, उन्होंने जो घोषणा किया उसकी विधिवत घोषणा आज पार्टी की ओर से की जा रही है। तो वो कटिहार मेडिकल कॉलेज के एमडी हमारे हैं अहमद अशफाक करीम साहब, और अहमद अशफाक करीम जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के एमडी है, यानी इन्होंने मतलब कि कटिहार मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर बिहारी बच्चों को मेडिकल पढ़ने और पढ़ाने की उन्होंने जो सुविधा दी, एक मुहिम चलाया, उससे काफ़ी संख्या में डॉक्टर हमारे हुए हैं और दूसरे देश में भी ये लोग सम्मानपूर्वक न सिर्फ नौकरी कर रहे हैं मेडिकल लाइन में, बल्कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इनको कैंडिडेट बनाया गया है। दूसरे मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, डिग्री वाला एमडी ऑप्शन। दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर श्री मनोज कुमार झा, जिनको आप लोग दिन रात आप देख सुनते रहें। और सबसे बड़ी चीज है कि पार्टी का जो लाइन है लालू प्रसाद यादव का, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद, इसकी उन्होंने भरपूर वकालत न सिर्फ मीडिया के द्वारा किया, बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालय में लेक्चर देकर करके इन्होंने किया है। और एक इंटेलेक्चुअल जगत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कटक तक इनकी एक प्रतिष्ठा है, उनको
कैंडिडेट बनाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। एक जो आप लोगों के दिमाग में जो बात थी, हम लोगों का जो है इंक्लूसिव, हमारी पार्टी न सिर्फ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में विश्वास करती है बल्कि हर तरह के लोगों को साथ लेकर करके अपना कारमा श्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में चल रहा है और हम लोग पूरे तौर पर मतलब कि यह सही निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से। हम दोनों कैंडिडेट लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद जी के प्रति और श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए द बेस्ट सिलेक्शन और द राज्यसभा जो हुआ है उसके लिए हम आपको धन्यवाद ही नहीं बल्कि आपके प्रति पार्टी आभार व्यक्त करती है और दोनों का दोनों पार्लियामेंट में जाकर। तो आरजेडी दो सीटें जीतेंगी और दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अशफाक करीम और मनोज झा आरजेडी के उम्मीदवार होंगे राज्यसभा चुनाव में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उपचुनाव के रंग की। तो उपचुनाव को लेकर अक्सर मतदाताओं में उत्साह नहीं दिखता, लेकिन अररिया लोकसभा, जहानाबाद और भभुआ विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। ये रंग है उपचुनाव के। उपचुनाव में वोट को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा मतदाता, सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिलाओं में वोट को लेकर उत्साह देखा गया। अररिया हो या भभुआ या जहानाबाद, सभी जगहों पर सुबह से ही महिलाएं कतारों में अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। वादे किए जाते हैं, वादों की झड़ी लगाई जाती है, लेकिन इन सब के बाद जनता का मिजाज, जो वोटर होते हैं उनका मिजाज क्या कहता है, इसे हम भापने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जनता का मूड है वो ये कहता है कि इस बार इन लोगों ने ठाना है कि विकास जो है उसकी राह पे चलना है। महिलाओं के अलावा वो वोटर भी कतारों में नजर आए जिन्हें पहली बार वोट कास्ट करने का मौका मिला, और वो लोग भी कतार में खड़े नजर आए जो 80 और 90 की उम्र पार कर चुके हैं। वोटिंग को लोकतंत्र का महापर्व क्यों कहा जाता है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। अपने बेटे का हाथ पकड़कर वोट डालने आए दिव्यांग भले ही आंखों से देख ना सकते हो, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास की उम्मीद के साथ इन्होंने भी मतदान किया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि उपचुनाव को लेकर लोगों में सरगर्मी थी। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रत्याशियों की किस्मत को कैद कर दिया। अब 14 मार्च को पता चलेगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। जहानाबाद से शैलेंद्र, अररिया से अमित, भभुआ से मुकुल, जी मीडिया। 3 सीटों पर उपचुनाव खत्म हो गया है, लेकिन सियासी दलों के नेताओं के दावे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों के नेताओं ने उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाल दिए गए, अब नतीजों का इंतजार हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से दावों का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपनी जीत के दावे किए। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के मुताबिक उपचुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि जेडीयू और बीजेपी का साथ सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए ना, ये चुनाव का मुद्दा क्या है। नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन से वो बिहार के हक में अलग हो रहे हैं, पलटी मारा उन्होंने, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा आज उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए। आपने कहा था कि साहब हम जंग मुक्त भारत बनाएंगे, आपने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे फिर इनके साथ नहीं जाएंगे, और मिट्टी में आप मिले भी नहीं है, वहां खड़े गए, तो जनता आपको मिट्टी में मिलाने जा रही है इस उपचुनाव में। जेडीयू के नेता केसी त्यागी के मुताबिक उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार जीतेंगे, जबकि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी एनडीए की जीत का दावा किया है। एनडीए गठबंधन के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। बिहार में नीतीश कुमार बहुत बड़े फैक्टर हैं, जब वो भाजपा के साथ आए हैं आरजेडी निरंतर चुनाव हारती है। पूरी तरह से अररिया में, भभुआ में और जहानाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन
ने बहुत अच्छा प्रचार किया, हमें पूरा विश्वास है जनता साथ देगी और हम इन तीनों सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। एनडीए में सहयोगी आरएलएसपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। तीनों जगह एनडीए की जीत सुनिश्चित है, हम चुनाव क्षेत्र में तीनों जगह गए हैं और आज मतदान भी हो रहा है, वहाँ से जो खबर आ रही है उसके आधार पे कहीं कोई जीत में शंका नहीं है, 100% एनडीए की जीत सुनिश्चित है। उपचुनाव के नतीजे फिलहाल सियासी समीकरणों पर कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन हर पल बदलते बिहार की बिसात पर उपचुनावों की जीत पार्टियों को मजबूत जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उपचुनाव के दौरान कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद खराब ईवीएम को ठीक करा लिया गया। हालांकि थोड़ी देर के लिए हुई ईवीएम की खराबी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जानबूझकर खराब ईवीएम के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब दिया। मंगल पांडे ने कहा कि संभावित हार को देखते हुए कांग्रेस ईवीएम में खराबी का राग अलाप रही है। जनता भारी संख्या में हमारे साथ है, लेकिन एनडीए के लोग जो बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, अपना हार सुनिश्चित देखकर बड़े पैमाने पर वहां खराब ईवीएम मशीनों की सप्लाई की गई है। जो मशीनें अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में और दलितों के क्षेत्र में लगाई गई है, जो हमारे परंपरागत वोटर हैं और हमारे साथ हैं, हम लोगों की मांग है कि वैसे मशीन को शीघ्र बदला जाए, त्वरित कार्रवाई करते हुए और जितना समय व्यतीत हो चुका है खराब मशीनों को लेकर उतना अधिक समय दिया जाए। और वहाँ के अधिकारियों से और चुनाव आयोग से मैं ये आग्रह करूंगा कि जहाँ पे मशीनें खराब हैं, जहाँ की सूचना आ रही है, उन मशीनों को बदला जाए, ठीक किया जाए, ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मुझे अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, तीनों जगहों पे जहाँ चुनाव हो रहे हैं, एनडीए के पक्ष में लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, मतदान कर रहे हैं और तीनों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी का एक बड़े अंतर के साथ विजय होगा। तो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि ईवीएम पर विपक्ष का हमला, अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र पर खतरा? नतीजों से पहले भभुआ में क्या कांग्रेस ने हार मान ली है जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? निजी स्वार्थ के लिए सियासी पार्टियां क्यों लोकतंत्र पर चोट करने में जुटी हुई है? ईवीएम बहाना है, विपक्ष का मकसद गठबंधन की इज्जत आबरू बचाना है। 2019 के लिए विपक्ष हार के लिए तैयार है, इसलिए ईवीएम को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। वोटिंग और ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवाल के बाद अब परिणाम पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उपचुनाव के परिणाम पर काफी हद तक बिहार की सियासत निर्भर करेगी। ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत, अब 14 मार्च के नतीजे पर टिकी निगाहें। अररिया लोकसभा, भभुआ और जहानाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 14 मार्च को पता चलेगा कि किसे जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। इस चुनाव के परिणाम से बिहार की सियासत पर असर पड़ेगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यह बिहार में आखिरी चुनाव है। एनडीए पर असर, जीत हुई तो नमो नीतीश की दोस्ती पर लगेगी मुहर, हार हुई तो जनता केंद्र और बिहार सरकार के काम से नाखुश मानी जाएगी। जीत हुई तो 2019 के लिए बढ़ेगा उत्साह, हार हुई तो 2019 के लिए करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत। जीत हुई तो सीएम नीतीश कुमार का बढ़ेगा कद, हार हुई तो विरोधी सीएम के काम पर उठाएंगे सवाल। जीत हुई तो केंद्र बिहार की विकास कार्यों पर मुहर लगेगी, हारे तो विकास के दावों पर सवाल उठेंगे। जीत हुई तो बिहार में एनडीए को मिलेगी ताकत, और हारे तो एनडीए में गहरा सकता है मतभेद। ठीक ऐसा ही असर महागठबंधन पर भी पड़ेगा। जीत हुई तो तेजस्वी यादव का कद बढ़ेगा, हारे तो तेजस्वी की क्षमता पर सवाल उठेंगे। जीत हुई तो मुकाबले में रहेगा गठबंधन, हार हुई तो 2019 के मुकाबले में कमजोर पड़ जाएगा दावा। जीत हुई तो लालू के बिना जीत से बढ़ेगा उत्साह, हारे तो माना जाएगा लालू का विकल्प फिलहाल नहीं। जीत हुई तो मोदी लहर को रोकने का फॉर्मूला मिलेगा, और हारे तो फिलहाल मोदी लहर को रोकना मुश्किल समझा जाएगा। जीत हुई तो मुस्लिम यादव दलित फॉर्मूला कारगर होगा, और अगर हारे
तो 2019 के लिए नया फॉर्मूला ढूंढना होगा। कहा जाए तो इस उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब जीत से तय होगा कि कौन अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सफल रहा और किसकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठे। लेकिन इसके लिए अभी 14 मार्च तक का इंतजार करना होगा, जब परिणाम सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान, चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, सांसद महबूब अली कैसर शामिल हुए। बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी और पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दिया गया। इस दरमियान पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार में हो रहे उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। आरजेडी दोनों पर पहले जो है अररिया में जीते हुए थे लोकसभा का सीट, और जहानाबाद में भी मुल्तिका सिंह यादव का सीट था, वहां जीते हुए थे। एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी जो है भभुआ में जीती थी, जहां पिंकी खड़ी है। हमको लगता है क्या कहते हैं कि तीन जगह पर है, और एनडीए का क्या कहते हैं कि एनडीए जीतेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सिंहासन के सेमीफाइनल के बाद अब बात राज्यसभा केरण की, तो बिहार में राज्यसभा की खाली हो रही 6 सीटों में से 5 पर निर्विरोध निर्वाचन तय है, लेकिन पेंच आखिरी सीट पर फंसा हुआ है। इसे लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बिहार में राज्यसभा के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी कौन, मीरा कुमार या अखिलेश सिंह या कोई और? क्यों प्रत्याशी की घोषणा में कांग्रेस कर रही है देरी? क्या बिहार कांग्रेस को टूट का सता रहा है खतरा? बिहार में कांग्रेस के 27 विधायक हैं। सहयोगी आरजेडी की मदद से पार्टी अपने उम्मीदवार को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी उम्मीदवार के नाम से सस्पेंस खत्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि उम्मीदवार देने में उसकी थोड़ी सी भी चूक पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। उसकी इस आशंका को हाल ही में हाथ का साथ छोड़ तीर थामने वाले अशोक चौधरी के बयान से बल मिलता है। वैसे तो मैं जदयू में आ गया हूं, लेकिन लंबे समय तक इस पार्टी में रहा हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और अगर अखिलेश सिंह बनेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी टूटेगी। कागज पर वोट का अंक गणित कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन अशोक चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के 4 MLC के जेडीयू में शामिल होने के बाद आशंका है कि कई विधायक बागी हो सकते हैं और राज्यसभा चुनाव में पाला बदल सकते हैं। शायद यही कारण है कि पार्टी मीरा कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगा पा रही है, और अशोक चौधरी जैसे नेता अखिलेश सिंह के नाम पर सवाल उठाकर कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल करती है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने नोटबंदी से सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होने वाले राहुल गांधी के बयान को आड़े हाथों लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी नहीं है, अगर उन्हें इसका ज्ञान होता तो वो ऐसे बयान कभी न देते। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि लोगों में कांग्रेस के लिए विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म हो रही है, यही कारण है कि हर दल कांग्रेस से किनारा कर रहा है। अभी माँ और बेटे ब्रांडिंग करने में लगे हैं। माँ कह रही है 2019 में हम आएंगे सत्ता में, जबकि इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट में वो शिखर पर थी, कांग्रेस पार्टी शून्य पर आ गए, नरेंद्र मोदी शून्य पर थे, शिखर पर आ गए। ये लोगों के अंदर विश्वसनीयता की मांग होती है, उसकी पहुंच होती है जनता के बीच, जिसकी जो पहुंच है। आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी या सोनिया गांधी को, कांग्रेस को न मायावती पूछा न अखिलेश यादव पूछा, अब ये फ्रस्ट्रेशन में है। हो सकता है, मैं तो कल कहा था कि कहीं भोज पार्टी में न कोई आए तो लालू जी से जेल भी मिलने न चले जाए। और अब बात करेंगे सड़क पर दौड़ती मौत की, तो समस्तीपुर में ट्रक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मृतकों में 3 लोगों की पहचान हुई है, ऑटो चालक मिंटू चौधरी,
हरपुर पूसा वार्ड नंबर 8 के रविशंकर भारती और बंगाली टोले के लीला देवी की मौत हुई है। बाकियों की अभी शिनाख्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर मुसरी घराई रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे हुए ऑटो में सामने से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर की इस घटना पर दुख जताया है। राज्य सरकार ने मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आखिर कैसे यातायात की व्यवस्था वो सुनिश्चित करे कि पैदल गरीब लोग भी चल सके, रिक्शा पे गरीब लोग चल सके, टेम्पो पे लोग चल सके, मोटरसाइकिल पे चल सके। आप बड़ी हैवी व्हीकल भी उसी गाड़ी पे चलाते हैं, छोटी छोटे पैदल फुटपाथ भी उसी पे चलता है। इस तरह की घटना होती है, सरकार को गंभीरता से इसको लेना चाहिए। जितने लोग हुए हैं इसको शीघ्र मुआवजा का ऐलान करना चाहिए। अभी वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि सामने से कोई कार आ रही है, उस कार को टक्कर ना जाए उसके बचने के चक्कर में टेम्पो वाले सीधे उधर से आते हुए ट्रक के चपेट में आ गए, सीधे हेड ऑन दोनों में टक्कर हो गया ट्रक से। और उसमें अभी जो हमारा एस्टीमेट है 9 लोगों की अब तक मृत्यु हो गई, 4 लोग एडमिट हैं, 2 लोग यहाँ पे और 2 लोग वहाँ लोकल बता रहे हैं कि करीब करीब 10 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। और हादसा ट्रक और टेम्पो के टक्कर में हुआ है। तो इसमें जो मरने वाले हैं उनकी पहचान हो पाई है क्या? उस लोगों की पहचान हुई है, अभी तो लोग प्रोसेस ही कर रहे हैं, चूँकि अभी इलाज जरूरी था पहले, वो चीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे उनके पहचान आ रहे हैं तो उनकी आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश की जा रही है। जो ट्रक चालक था वो अभी घटना की विस्तृत जानकारी भी नहीं मिल पाई है, अभी तो जानकारी मिलने के बाद जानकारी होने का। और अब बात करेंगे बदलते बिहार की। तो शराबबंदी के बाद लोग स्वरोजगार से जुड़े, अब इसका असर भी नजर आने लगा है। किशनगंज के कटलिया गांव के लोग मशरूम की खेती कर न सिर्फ अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला रहे हैं बल्कि अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें महीन गांव पंचायत के कटलिया गांव की हैं, जहां की गलियां अवैध शराब के धंधे के लिए बदनाम थी, लेकिन अब यहाँ के चूल्हे पर इज्जत की रोटी बना करती है। कटलिया गांव को लोग अब मशरूम गांव के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 से 30 परिवार वाले इस गांव के ज्यादातर लोग शराब का धंधा छोड़ मशरूम की पैदावार करने में जुट गए हैं। पहले हम लोग शराब बनाते थे तो हम लोग का और शांति होता था कि गांव में हर घर में हल्ला होता था, कि अभी इसलिए कि शराब बंद कर दिए हैं, अभी मशरूम का खेती करते हैं और इसलिए कि अभी भी मशरूम का खेती करेंगे। शराब बंदी के बाद जो है इसके बाद तो शराब बनाना छोड़ दिए और अभी जो है मशरूम का खेती जो है हम लोग की कर रहे हैं और इसको आगे भी करेंगे और इसको मार्केट में बेचेंगे भी और खुद खाएंगे भी। गांव के लोगों को एक साल पहले तक पता नहीं था कि मशरूम की खेती भी हो सकती है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने लोगों को मशरूम के बारे में बताकर उन्हें स्वरोजगार की राह दिखाई। यहाँ सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण दी, प्रशिक्षण के बाद उन लोगों को 2-2 केजी 25 लोगों को मैंने बीज दिया और उसका पैकिंग कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे किया जाता है, उस पर काफी मैं जोर दी और जिसके कारण उनका पर डे करीब 5 केजी उन लोग बेचते हैं और उस हिसाब से उन लोगों को काफी आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराब बंदी की पहल वरदान साबित हो रही है। सालों से शराब के धंधे में लिप्त ये आदिवासी अब मशरूम की पैदावार कर समाज में इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।